मोबाइल नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल, हाउ टू फिक्स रियलमी मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम 2022। क्या दोस्तों आपके पास रियलमी का स्मार्टफोन है, उसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास है रियलमी का यहाँ पे C12 और इसमें हम फिक्स करेंगे। आपके पास रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन हो, उसमें कौन सी भी सिम डली हो, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो वीडियो को अभी से आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे रियलमी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले चला जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेटवर्क को सही करने के लिए आपको अपने यहाँ पे स्लॉट में से सिम निकाल के आपको फिर से सही साफ करके लगा लेनी होगी। दूसरा तरीका क्या है, आपको सिंपल से आप नोटिफिकेशन बार को नीचे की तरफ यहाँ खींचेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एरोप्लेन मोड, ये आप देख सकते हैं। इस ऑप्शन को आप एक बार यहाँ से टैप करेंगे और फिर से आप इस पर टैप कर देंगे, ठीक है। ये आपको दूसरे नंबर पे करना है, ठीक है। सबसे पहले सिम कार्ड निकालना बाहर और सही से लगाना है, फिर आपको ये करना है, ठीक है, एरोप्लेन मोड। और तीसरी सेटिंग क्या है, आप अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर यहां जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहां पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा लिखा है ऊपर की तरफ, यहां पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहां क्लिक करेंगे, अब जिस भी सिम कार्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आपको सिम को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे फोन में एक ही सिम है तो हम सिम वन को यहाँ सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे ये अनेबल है कि नहीं है, ठीक है, सिम आपकी, ठीक है, इसे आप अनेबल कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे मिलेगा वोल्ट कॉल्स, ठीक है, इसे आप ऑन कर दीजिए। वाईफाई कॉलिंग आपको यहाँ से बंद कर देनी होगी, फालतू में आपको इसे नहीं ऑन करना है। उसके बाद यहाँ नेटवर्क टाइप का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको 5G, 4G, 3G, 2G ऑटो का ऑप्शन मिलेगा, या आपके फ़ोन में यहाँ पे LTE मोड हो सकता है, यहाँ पे आप उसे ऑन कर लीजिए। यहाँ पे हम बैक जाएंगे, उसके बाद यहाँ एक्सेस पॉइंट नेम पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे 2 डॉट्स मिल जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ रीसेट एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसे रिस्टोरिंग कर देंगे। इस तरीके से करने के बाद आप इस तरीके से बैक जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा कैरियर, यहाँ पे होगा ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे इसे आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से बैक चले जाइए। आप ये सब करने के बाद फोन को आपको पास स्विच ऑफ करना है। फोन को स्विच ऑफ करने का फिर से ऑन करेंगे, आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। फिर भी नहीं हो रही है तो आपको एक लास्ट सेटिंग है जो बहुत ही अच्छी है और जिससे आपका हो ही जाएगा। तो उसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग के अंदर यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ ऐसे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे आपको मिलेगी एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे की तरफ चलना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट का, ठीक है, बस इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ मिलेगा एरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो 110% सही हो जाएगी। फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये समझ लीजिए आपका सिम कार्ड सही नहीं है, इसमें कोई एरर आ गया है। अब आपको न्यू सिम कार्ड खरीदना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी पुरानी वाली सिम को या जिस सिम पे आपकी आरडी लगी हुई है जो ख़राब हुई है, वो आरडी लेके आपको जो भी केयर होता है, ठीक है, जहाँ पे शॉप होगी, ठीक है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे कह देना है कि हमारी जो सिम है वो इस तरीके से एरर आ रही है, तो आपको 20 रुपये लेगा या 25 रुपये लेगा, आपकी सिम न्यू उसी नंबर से खोल देगा, वही रिचार्ज आपका बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको कॉन्टैक्ट नंबर एक्सपोर्ट करने होंगे, ठीक है। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर एक्सपोर्ट करना नहीं जानते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है वीडियो की, वो आपको देख लेनी होगी, उससे आप न्यू सिम के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो एक्सपोर्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।